इतवार के दिन जो पीपल के वृक्ष में सरसों के तेल का दीप लगाता है उसको शनि कभी परेशान नहीं करता। एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, मान लो अच्छे काम करते करते उल्टे हो रहे हैं, होते हैं किसी किसी के साथ में विपरीत परिस्थितियां आ जाती है, अच्छा करने जाओ बुरा हो जाता है, अच्छा कर्म करने जाओ बुरा हो जाता है। तो पीपल के वृक्ष की जो छाल होती है, छाल देखिए, पीपल के वृक्ष में जो छाल लगी होती है उस छाल को घिसकर चंदन बनाकर भगवान शंकर का स्नान कराकर अभिषेक कराकर पूजन कराकर, पूजन कराने के बाद में पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर, कौन से महादेव, पिपलेश्वर महादेव का नाम लेकर वो जो घिसी हुई छाल होती है उस छाल का तिलक भगवान शंकर को लगा लो और उसी का थोड़ा सा भाग अपने कंठ पर मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दो, धीरे धीरे जो विपरीत दशा है वो सुधरना प्रारंभ हो जाती है। पर नाम याद रखना पिपलेश्वर। आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण। आज शनिवार का दिन है जिस दिन अपन इस दरिद्रता से मिलने के लिए पीपल के पेड़ के नीचे आए हैं। हिंदू धर्म में ये दिन पीपल के वृक्ष के लिए पूजनीय होगा। जो भी शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष की पूजन करेगा, दूध चढ़ाएगा या मिष्ठान का भोग लगाएगा, लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश कर जाएगा। लक्ष्मी और नारायण उसके घर में प्रवेश करेगा। इसलिए नियम बनाया, कौन से दिन का, शनिवार। लक्ष्मी जी बोली, नारायण आपने तो एक दिन का वार लिख दिया, शंकर जी ने 7 वार बनाए हैं, रविवार सोमवार मंगल बुध गुरु शुक्र और शनि, ये शिव जी ने बनाए। अब एक दिन आपने अपना बना लिया, बाकी के दिन अगर कोई इस पीपल के वृक्ष के नीचे आएगा और यहाँ तो दरिद्रता बैठी है तो उसका क्या होगा। भगवान नारायण बोले, सुन दरिद्रता, तेरे से एक विनती है, अगर कोई भी मनुष्य इस पीपल के पेड़ के नीचे अगर 7 दिन में आता है और उसके हाथ में अगर कोई सामग्री होती है तो तू उसके घर में प्रवेश नहीं करेगी। नियम है पीपल के वृक्ष का, या तो पानी का लोटा लेकर जाओ, कुंकू का चोपड़ा लेकर जाओ, शक्कर लेकर जाओ, या पेड़ के नीचे चींटी को डालने के लिए आटा ले जाओ, पर खाली हाथ पीपल के वृक्ष के नीचे कभी मत जाओ, कभी नहीं। खाली हाथ जाओगे तो दरिद्रता तुम्हारे घर में प्रवेश करेगी। दरिद्रता उठकर खड़ी होकर बोली, नारायण तुमने अपनी मनमानी करी है, एक दिन मुझे भी मेरा चाहिए। भगवान ने कहा, बोल कौन सा दिन चाहिए। दरिद्रता कहती है, रविवार के दिन इस पीपल के वृक्ष के नीचे मैं दिन भर नृत्य करूं, इसमें रहूं, और जो यहां आए रविवार को मैं उसके घर में प्रवेश करूं। भगवान ने कहा, ठीक है दरिद्रता, रविवार का दिन एक ऐसा दिन रहेगा जिस दिन तू इस पीपल के वृक्ष के नीचे नृत्य करेगी और जो आएगा इस पीपल के वृक्ष के नीचे तो उसके साथ प्रवेश करेगी, मैंने तुझे वर दिया। इसलिए हमारे यहाँ केवल पीपल का वृक्ष अगर दीवार में भी लग जाता है ना, किसी की फैक्ट्री की दीवार में, किसी के घर की दीवार में पीपल का वृक्ष अगर लग जाता है, पीपल का पौधा लग जाता है, उसको कितना भी तोड़ लो वो वापिस लग जाएगा, फिर तोड़ोगे फिर लग जाएगा। अगर पीपल के पौधे को तोड़ना है तो केवल रविवार का दिन एक नींबू, एक मिर्ची और बमूल का कांटा, ये 3 चीजें रखने के बाद में आधे घंटे बाद रविवार के दिन पीपल के पेड़ को उखाड़ कर फेंक दो, दूसरी बार कभी पीपल दीवार में लगता ही नहीं, कभी नहीं लग सकता। केवल एक रविवार का, केवल एक संडे, इतवार का। घर में दीवानों पर अगर पीपल लग भी गया है, इसलिए पीपल के वृक्ष को उखाड़ने का, अगर घर में पीपल लगा हुआ है या पीपल का पौधा हमारे घर में लग गया, उसको उतारना, निकालना, लगाना, तो पीपल के वृक्ष को अगर निकाला जाता है तो रविवार के दिन, और अगर पीपल के वृक्ष को कहीं लगाया जाता है तो सोमवार के दिन या मंगलवार के दिन, बुधवार के दिन, इन दिनों में लगा सकते पीपल के वृक्ष कहीं लगाना।
शनिवार का दिन एक ऐसा दिन होता है जिस दिन पीपल के वृक्ष को कहीं जाकर लगाया नहीं जाता, क्योंकि शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे लक्ष्मी रहती है। हम अपने हाथों से अगर पीपल का वृक्ष किसी दूसरी जगह पर शनिवार को रोपित करते हैं तो हमारे घर की लक्ष्मी अपने घर से छिन्न होकर चली जाती है, इसलिए शनिवार के दिन पीपल लगाया नहीं जाता। किसी के घर जाकर उसको वापस पलटा नहीं जाता, लग गया उसको डर। प्रभु मेरी धर्म पत्नी को कहाँ रखूं आप बताओ, वो तो जहां यज्ञ होता है, अनुष्ठान होता है, दान होता है, पुण्य होता है, सत्कर्म होता है, वहां जाने को तैयार नहीं। अब करूं क्या? भगवान ने बोला एक काम करो। दुर्वासा जी बोले जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े रहते हो उसके घर में इस दरिद्रता को लेकर तुम प्रवेश कर जाना। जिसके यहाँ रात्रि में बर्तन झूठे पड़े हो वहां लेकर प्रवेश कर जाओ। दूसरी जगह दुर्वासा जी बोले जो स्त्री घर में दोपहर के समय पर सो रही हो उसके घर में इसको लेकर प्रवेश कर जाइए। जो स्त्री दोपहर के समय में घर पर सो रही हो इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। तीसरा, जिसके यहां पर दरवाजे पर कांटे वाले पौधे लगे हो उस घर में इस दरिद्रता को लेकर प्रवेश कर जाइए। दरिद्रता कितनी सुंदर बात कही है, दाता और विधाता, कौन कौन? दाता और विधाता, लक्ष्मी और दरिद्रता के सगे भाई हैं। कौन कौन? दाता और विधाता। दाता को फिटकरी प्रिय है, विधाता को नमक प्रिय है। ये दोनों हमेशा लक्ष्मी को और दरिद्रता को दोनों को समझाते थे, दोनों में प्रेम बढ़ाते थे। आज भी हिंदू धर्म की रीति है, यहां तो ठीक है, जिसके यहां पर भी अगर थोड़ी सी भी परेशानी होती है, थोड़ा सा क्लेश होता है, अशांति होती है, लक्ष्मी नहीं दिख रही हो, काम नहीं बन रहे हो, बहुत प्रयास करा जा रहा हो और हमारा कार्य नहीं होता, तो क्या करते हैं? फिटकरी और नमक को पानी में डाल देते हैं और घर में पोछा लगा देते हैं। आप लोगों ने आजकल फेसबुक पे भी पढ़ा होगा, व्हाट्सएप पे भी पढ़ा होगा, तो क्यों लिखा उसमें? उसका कारण ही केवल रहता है कि दाता और विधाता की प्रियता उसमें। माता ख्याति के जो चार बच्चे हुए इसमें जो दो लड़के हैं दाता और विधाता, उसकी प्रियता उस बात, उसकी पूर्णता उस। श्री शिवाय नमस्तु। शिव महापुराण कहती है अगर एक दिन, शिव महापुराण की कथा कहती है शनिवार के दिन अगर शिव की आराधना करी जाए, शनिवार के दिन अगर शंकर को जल चढ़ाया जाए तो जिंदगी में व्यक्ति की कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। कि बैसाख महीने में पवित्र वृक्ष के जड़ में एक लोटा जल समर्पित कर देने पर और वहां की जो रज है उसको मस्तक पर चढ़ा लेने पर 84 लाख योनियों से मुक्ति मिल जाती है। 84 लाख योनियों से। आप में से कितनी माताएं या कितने भाई लोग बैठे हैं जो शंकर जी के मंदिर पर जाते हैं और मंदिर पर जब जाते हैं वापिस जब लौट कर आते हैं तो मंदिर की चौखट का स्पर्श कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाते हैं? आप में से कितने लोग हैं? बहुत सारे, ठीक है। अब जितने लोगों ने हाथ उठाया और नियम से अगर शंकर मंदिर की दरवाजे की चौखट पर भगवान शंकर को जल चढ़ाने के बाद जब आप लौट कर आ रहे हैं और उनकी चौखट पर आपने हाथ फेर कर अपने मस्तिष्क पर उस रज को लगाया है, वो धीरे धीरे अपने भाग्य की ओर देखते हैं। तारीख लिख लेना कि मैंने इतनी तारीख से मंदिर जाना चालू करा, इतनी तारीख से मैं ये काम कर रहा हूँ और इतनी तारीख तक मुझे ये फल की अनुभूति हुई। गौ माता को अपने घर से एक रोटी देना चालू कर दीजिए, जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाओ। शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख हो, भोला सब दुख काटो। आप उससे निवेदन करेंगे, शिव महापुराण में सुना है शंकर भगवान पर 108
कुछ भी शिव को चढ़ाना चाहिए श्रावण के महीने में। हमने पहले भी कहा था, पिछले लॉकडाउन की कथा निकाली है और श्रावण के महीने की कथा निकाल कर सुनना, उसमें कहा था आपके पास कुछ भी नहीं है तो 108 चावल के दाने चढ़ाइए।